हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अंडर ग्रेजुएशन एड कोर्सेज में एडमिशन की फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इंस्टाग्राम हैंडल @शुभमचंदेर को फॉलो कर लीजिए और उसी हैंडल में आपको जो बायो है इंस्टाग्राम की उसमें आपको हमारे व्हाट्सएप पेज का लिंक मिल जाएगा, बिकॉज व्हाट्सएप पर हम सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो बात करने वाले हैं यूजी एडमिशन की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन से, कॉलेजेस से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी डाउट होता है एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, तो oneform.org एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, तो इनको आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड डाउट्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इनकी मेंबरशिप लेकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, oneform.org की बाद अब बात कर लेते हैं PU एडमिशन की। तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए आ गई थी। ये 20 कोर्सेज हैं, इनमें से मेजर जो कोर्सेज हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्राउड रहता है वो है ये चार। पहले पांच BA इवनिंग स्टडीज, BA ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, B.Com इवनिंग स्टडीज, BSc फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी और BA ऑनर्स एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपकी आईसर में है, तो ये BA न्यू एजुकेशन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आईसर की है। अब गाइज, इसमें अगर हम क्लिक करें, कोई भी लिस्ट हम देख लेते हैं, तो इन लिस्ट में अगर हम देखें तो कितने सारे नाम हैं। अब इतनी तो सीटें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, तो इट मीन्स कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपके सभी कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए उनके नाम होते हैं। और जैसा कि आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं कि 90 PDF है, 90 पेजेस है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो 1323 कैंडिडेट ने आईसर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है। सो ये आप लोगों की है आईसर डिपार्टमेंट की लिस्ट। तो 1313 को तो एडमिशन नहीं मिलेगा। अब किनके नाम मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले 13-14 है, सबसे पहले तो इनका नाम आएगा और उसके बाद कैटेगरी वाइज बाकियों के नाम आ जाएंगे। और इसमें जितनी भी सीटें हैं 40 के आसपास शायद सीटें हैं BA ऑनर्स में, आईसर में, और इसके अलावा B.Com में 70-75, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 25 के आसपास है, BA में आप लोगों की इवनिंग स्टडीज में 200 और BSc में भी 30-40 के आसपास सीटें हैं। तो ये और बाकी कोर्सेज का तो आप लोग उनकी वेबसाइट्स पर जाकर के देख सकते हैं। तो इतनी सीटें हैं। अब इनकी फाइनल लिस्ट कब आएगी, जब आपको फी पेमेंट करना है। उसकी फी पेमेंट कब करना है वो मैं आपको बता दूंगा, हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है 10 पॉइंट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, यानी कि जो ये प्रोविजनल लिस्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद जो प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट बनाई जाएगी वो जो ऑब्जेक्शंस उसमें है वो कंप्लीट करने के बाद सेंड टू DOI ऑफिस, DOI मैडम के साइन होने के बाद वो लिस्ट अपलोड होगी 19/7/2024, 19 यानी कि कल को ये लिस्ट जो है वो DOI मैडम को सेंड कर दी जाएगी। अब गाइस, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि कल ही DOI मैडम साइन कर दें, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कल के कल DOI मैडम साइन कर दें, क्योंकि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के वर्क कल्चर का पता लग चुका है 2.5-3 साल में। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कल के कल ही ये हो सके, आपका जो लिस्ट है वो अपलोड हो। तो 20 तारीख को और 21 तारीख को ये 2 दिन है जब आपकी सारी लिस्ट, सारे कोर्सेज की लिस्ट जो है वो फाइनल अपलोड कर दी जाएंगी इस वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर, यूजी एडमिशन की वेबसाइट पर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जब होम मेन्यू पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल की जगह यहाँ पर, या जहाँ ये न्यू लिखा हुआ है इसके नीचे, वहां पर आपको बनाया हुआ होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट होगा वो। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट वहां पर लिखा हुआ होगा। जब आप उसको क्लिक करोगे और उसमें से इसी तरीके की आपके पास जो है वो इस तरीके की PDF डाउनलोड होगी। अब उसमें होगा क्या कि यहाँ पर होगा सिलेक्ट, ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट लिखा हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर आपका मेरिट इतनी है और आपको जो है यहाँ पर फी पेमेंट करनी है, इतनी फीस पे करनी है और इतनी तारीख से पहले फीस पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको इस ईमेल पर अपनी फी रिसिप्ट जमा करवानी है। फिर कैंडिडेट्स के नाम होंगे ऐसे, तो एक होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, फिर उसी कैटेगरी के यहाँ पर होगा हेडिंग होगा वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट होगी कैंडिडेट्स की जिनका एडमिशन में अभी वेटिंग में नाम चलेगा। तो इस तरीके से हर एक कोर्स की जो है वो 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन है। इन 4 दिनों में से कभी भी आपकी लिस्ट जो है वो आ सकती है। तो जब भी लिस्ट आती है आपको सबसे पहले तो हमारे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मैं बता दूंगा और कोशिश करूंगा अगर मैं अवेलेबल हुआ तो वीडियो साथ के साथ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, वरना आप लोग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर तो आ ही सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है एडमिशन में या कुछ भी XYZ, तो आप oneform.org को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। फीस पेमेंट कैसे करनी है उससे रिलेटेड आपको ये वीडियो जो है वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, हमारी वीडियो जो है फीस पेमेंट की और हॉस्टल एलोकेशन की। तो ये वीडियो है हॉस्टल्स की, जब आपकी एडमिशन होगी उसके बाद हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना है, और ये है फी पेमेंट की, जब आपकी एडमिशन होगी तो साथ में ही आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर फी पेमेंट करनी है। तो ये फी पेमेंट की कैसे आपको फी पेमेंट करनी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो।